हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुज़फ्फर खान एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाई आज का सीन कुछ ऐसा है कि आज फाइनली हम मदीना से जा रहे हैं मक्का, तो हमने सोचा आज का वक्त यहीं से स्टार्ट करते हैं। आज हमारा दूसरा उमरा होगा, मैं अभी एहराम में होता इस टाइम पे, लेकिन एहराम मेरा खो चुका है। तो अस्सलाम वालेकुम हाजी, हाउ आर यू? आज हम जा रहे हैं मक्का के लिए और आज हम लोग बहुत जल्दी रेडी हो गए, लास्ट टाइम लेट हो गए थे और अभी तक बस भी नहीं आई है। आज बस लेट हो गई है और हम यही खड़े हुए हैं, तो मम्मा भाई अंदर बैठे हुए रिसेप्शन पे। तो हमने सोचा आज का ब्लॉग यहीं से शुरू करते हैं, दूसरी ईद है आज यहाँ पे, तो बस चलते हैं आगे और सीन देखते हैं क्या है। तो भाई ये देखें सारे, आज सबका एहसास हुआ हुआ है, तो सब यहीं पर ही हैं, हमारा सामान यहाँ रखा हुआ है, तो मम्मा वो सामने बैठी हुई हैं। चला मम्मा से मिलते हैं। तो ये सारा सामान है, भाई ने भी आराम पहना हुआ है, सिर्फ मेरे अलावा सब ने आराम पहना हुआ है यहाँ पे, और बस चलते सारा सामान लेके। मैं मार्ग को लेकर आता हूँ, सारा बैग वैग लेके आऊँगा, ठीक है? तो भाई मैं जा रहा हूँ ऊपर वापस, क्योंकि आखिरी में इस होटल की शक्ल देखने के लिए, देखनी तो चाहिए नहीं, मैं आपको बताऊंगा बाद में। तो अभी जा रहा हूँ मानव को लेने, मानव ऊपर रह गए तो हमेशा लेट करा देते हैं। खुल जा सिम सिम। तो अब बस निकल रहे हैं मक्का के लिए और बस दुआ है कि अल्लाह ताला बहुत जल्दी यहाँ फिर से बुलाए, क्योंकि जितना मज़ा में सुकून मज़ा और रमजान हमारे यहाँ गुजरे हैं, अल्लाह ताला फिर बुलाए इंशाल्लाह, आमीन। और बस चलते हैं आगे, बाकी मिलते हैं आगे की तरफ। बस सामान जा रहा है, बैग हमारे आ नहीं रहे इसके अंदर, क्योंकि हमने बहुत लेट बैग रखे हैं। हमें लगता है गाड़ी नहीं आई, लेकिन गाड़ी कब से यहीं खड़ी हुई थी और हम वो सामने खड़े हुए थे। बस चलते हैं सामान रखे। तो भाई ये व्हील चेयर अंदर नहीं आ रही है और हम यहाँ पे खड़े हैं। हाय, क्या हुआ, दिल कर रहा जाने को? दिल कर रहा जाने का यहाँ से? हाँ 10, 11, 12, 13 दिन हो गए मैं यहाँ पे, अब 10-8 दिन हमारे और रह गए अभी। चलो भाई फाइनली गाड़ी चल गई है और गुड बाय टू दिस ब्यूटीफुल प्लेस, बहुत मेमोरीज है हमारी यहाँ पे और इंशाल्लाह बहुत जल्दी और बनेंगे बात इंशाल्लाह, और अगली बार दोस्तों के साथ बनेंगे, फैमिली के साथ भी बनेंगे लेकिन दोस्तों के साथ भी, बहुत ज़रूरी है आना। और अब बस चलते हैं, बाय बाय। तो भाई ये लास्ट टाइम हम घर हम देख रहे हैं यहाँ से गाड़ी में से, और बस जाएंगे सीधा बाय। हम पहुँचे हैं मेकात पर और यहाँ से हमने एहराम पहनना है, मैंने मेरे पास एहराम नहीं था तो पहले ख़रीदना है फिर पहनना है, क्योंकि यहाँ से फिर हम नफल वफल पढ़ के सीधा निकलेंगे मक्का के लिए। ये हमारी बस है, सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे, चलते हैं भाई खरीदेंगे पहले एहराम, क्योंकि फिर यहाँ सामने मस्जिद है, इसलिए जगह हम चेंज करेंगे, वहाँ ज़रा पहले सेट करते हैं। एहराम हमने ख़रीद लिया है और अब बस चलते हैं चेंज करने के लिए, धूप इतनी ज़्यादा तेज़ धूप है यहाँ पे, और चलो चेंज करके मिलते हैं डायरेक्ट आपसे। भाई ये है मीका जहाँ पे सब के सब एहराम पहनने आते हैं और नफिल पढ़ने के लिए आते हैं, हमने पढ़ लिया, मैंने सोचा जगह देखो सब के सब माशाल्लाह उम्र पर जा रहे हैं, अल्लाह ताला सब की उम्र कबूल करें, और मैंने नफिल भी पढ़ लिए हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, हर जगह से हमारे हाजी भाई हैं। और अब बस चलते हैं बाहर की तरफ, ये एहराम मैंने पहन लिया है और अब बस चलते हैं गाड़ी की तरफ, हमाद और भाई से मिलते हैं और इंशाल्लाह फिर निकलते हैं अपने सफ़र के लिए। हमारा सफ़र यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है और बस अल्लाह ताला कबूल करे हमारा सफ़र और चलते हैं। तो भाई अभी हमारा पहला स्टॉप है और यहाँ सब लोग रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए, लेकिन हम बड़े नींद में हो रहे हैं, ये चाय बन रही है फिर बहुत बढ़िया, और ये पकौड़े भाई पकौड़े ले रहे हैं, दो प्लेट दे दो पकौड़े। और वहाँ नींद कैसी आ रही है। तो भाई फाइनली मक्का हम पहुँच गए और अब बस हमारा होटल का है, होटल का है अभी तो होटल ही नहीं है सामने। चलो भाई मक्का हम पहुँच गए हैं, बस सामान वहाँ निकालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं कि कहाँ जाना है, क्या सीन है आगे का। तो भाई ये बैग तो हमारा इतना भारी है, इसमें इतना सामान है, और अब बस चलते हैं होटल की तरफ, वो को हमारा होटल है, सामान वामान रखेंगे फिर डायरेक्ट उम्र के लिए निकलेंगे, और थक भी गए, ये हमारा होटल है आज का, और अब बस चलते हैं आगे। चलो भाई होटल हम पहुँच गए हैं फाइनली, हमें एक अच्छा होटल मिल गया है, तो ये रहा मैं एहराम के अंदर, और बस चलते हैं अपने रूम की तरफ, सारा सामान वामान रखेंगे फौरन उम्र पर निकल जाएंगे हम लोग, टाइम हो रहा है इस टाइम पर 11। चलो भाई अच्छा मम्मा मिल गया होटल आपको, अच्छा मम्मा हैप्पी, अभी रूम पर देख के पता चलेगा कि मम्मा कितनी ज़्यादा खुश है, हमने एक भी बहुत बुरा गुजारा जबकि हमारा एक भी आपको कमरे में नहीं दिखा होगा हमारे ब्लॉग के अंदर। और चलो भाई अब चलते हैं हमारे रूम की तरफ और रूम दिखाते हैं आपको सबसे पहले। आ गए हम, कहाँ है कार्ड का लगेगा, लगाओ ऑलरेडी लगाओ मत बेहतरीन। चलो भाई मम्मा खुश हैं, वाह भाई मम्मा
Are you happy? Happy or sad? भाई चलो फाइनली हमें एक अच्छा बहुत अच्छा रूम मिल गया और हमारी खुशी से अंदाजा हो रहा होगा कितना थके हम लोग यार। चलो भाई तो भाई ये रहे हम एहराम हमारा ये पहने में माशाल्लाह भाई सबके सब रेडी हुए हैं और डायरेक्ट हमने निकलना होगा। मेरे ख्याल से सामान वामान रखते हैं हम लोग। तो भाई अब हम रेडी हो चुके हैं उम्रे पे जाने के लिए। फाइनली हमने 2-2.5 घंटे का रेस्ट किया है क्योंकि मम्मा हम सब थे और मानस बंजे दोबारा गंजे हो रहे हैं। तो बस हम लोग रेडी हो रहे हैं जस्ट क्योंकि दस के सामने हम जाने वाले बिल्कुल और बस आपसे सामने मिलते थोड़ी देर में खाना पीते हुए जाएंगे ना भाई। ओके जी चलो भाई ये तो भाई ये आ गई हमारी शटल और अब जा रहे हैं हम डायरेक्ट घर। ये लग रहा है तरबूज। क्या तरबूज चेहरा लग रहा है यूं गोल लंबा गंजे की तरह। तो भाई अभी हम पहुंच गए बिल्कुल हरम पे। हरम पे नहीं पहुंचे लेकिन अभी उससे पहले हम यहाँ पर हैं बिल्कुल क्लॉक टावर के नीचे। हमें शटल ने डायरेक्ट यहीं उतारा है और कितना अच्छा मौसम हो रहा है भाई वगैरह का वेट कर रहे हैं हम लोग सारी। हमारी शटल सर्विस मजे की है यार वैसे मम्मा करीब उतार रही है बहुत अच्छा है। बस चलते हैं आगे। तो भाई अभी हम पहुंच गए हैं ऑलमोस्ट हरम के अंदर। हमारे सामने बिल्कुल हरम के गेट हैं और अब बस अंदर चलते हैं और इंशाल्लाह आज हम अपना दूसरा उम्रा करेंगे विद मम्मा का मम्मा बोलिए विद हमाद गिंजा। और चलो भाई आगे चलते हैं और देखते हैं कैसी है। तो भाई अभी हो रही है यहाँ की सफाई और अलग ही तरीका है भाई माशाल्लाह सफाई वफाई करने का भी इन लोगों का। बिल्कुल सामने वाले क्लॉक टावर है कहाँ गया मानफ है। चलो हम पहले कुछ खाने के लेके आते हैं हम क्योंकि बहुत भूखे हैं हमने शाम से नाश्ता भी नहीं किया हुआ। डब्ल्यू पर चलो नाश्ता लेने चलते हैं खाना लेने चलते हैं सॉरी। अब जा रहे हैं फाइनली उम्रे के लिए। खाना भी हमने कर लिया है और अभी तहज्जुद की अज़ान हो रही है इस टाइम पे। हम इतना लेट हो गए हैं लेकिन चलते हैं बस अंदर और फिर नमाज़ पढ़ेंगे और इंशाल्लाह फिर स्टार्ट करेंगे। रात में आए थे उम्रे के लिए और अब हम लोग को जाके टाइम मिला क्योंकि मम्मा की भी हम लोग लेके बैठे थे मम्मा के सामान वगैरह। इस टाइम में हमारे सामने माशाल्लाह खाने का है और बहुत रश है इस टाइम पे बहुत रश है। वो तो हमें लग रहा था कि रश नहीं होगा आज हमारा लेकिन बहुत रश है। बस अभी जाते हैं लेकिन अल्लाह ताला हिम्मत देगा इंशाल्लाह। बस चलते हैं और स्टार्ट करते हैं अपना उम्रा। अगे अभी माशाल्लाह दूसरे उम्रे के लिए और अभी हमारा तवाब शुरू नहीं हुआ अभी हम व्लॉग बना रहे हैं थोड़ा सा। तो रात में आए थे सुबह हो चुकी है अभी हमारा तवाब स्टार्ट नहीं हुआ अभी हम थोड़ा सा वीडियो वगैरह बना रहे हैं वरना तो फिर आगे जब आवाज़ स्टार्ट हो जाएगा तो उसके बिल्कुल आखिर में मिलेंगे हम लोग माशाल्लाह। उम्रा हमारा हो गया उम्रा नहीं अभी सिर्फ तवाफ हुआ है सफ़र मरवा रह गया। तो बस अभी आए हम पानी वानी पीने के लिए डायरेक्ट हम जमजम का पानी पियेंगे पानी निकालो। हाँ भाई कैसा रहा तुम्हारा तवाफ? तवाफ बहुत खराब जितना रश था उसी इतने ही सुकून से हमारा हुआ है। 50 मिनट में हमने साथ चेक करके पूरे तवाफ कर लिए माशाल्लाह। अब बस रह गया असल में अब रह गया सही सफाई मरवा सही करते करते अंडा खराब होता है क्योंकि इतने खतरनाक टाइम लगाए हैं। हिम्मत तो है उस भी गाती है हमारा फजर में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी करने की हम लोग कल की नींद पूरी नहीं थी 12 बजे सफर में और अब जाके अल्लाह का शुक्र है कितना जल्दी कर लिया 24 घंटे में हमारा। हाँ और अब बस चलते हैं भाई सही की तरफ सफाई मरवा। तवाफ से ज़्यादा रश इस टाइम पर सफाई मरवा पर है क्या चल रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह भाई। भाई उम्रा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डन लेकिन हमने किस तरह किए इसको हम जानते हैं। हमसे ना चला जा रहा था ना हमसे कुछ किया जा रहा था लेकिन बस अल्लाह ताला ने करवाया हमने नहीं किया ये खुद भी। तो बस हम यहाँ पे बस का वेट कर रहे हैं अपनी हमारी शटल सर्विस का तो आती है फिर जाते हैं फिर सोते हैं। गर्मी के अंदर ये सूरज और सामने बस गाड़ी आ गई हमारी अब बस चलते हैं और होटल। तो भाई अब बस हम होटल पहुँच गए हैं और हमारी हालतें बहुत बुरी हो गई हैं तो बस ऊपर जाना है और सोना है। कार्ड लगा भाई जल्दी से मत। चलो भाई मज़ा आया लेकिन हाँ मज़ा तो आया बाय।